हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के दौरान मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आपका रेस के अंदर सांस फूलता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसा कि मैं किया करता था, जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं करने को बोला करता था, हमेशा आप वही यूज़ करना। आपको वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप ग्राउंड के अंदर जाओगे, वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपकी जैसे कि पेट के अंदर वो एक गांठ सी हो जाती है। आप सभी को पता होगा, जो भी रेस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि आपसे मतलब उसके बाद में आपसे 10 कदम तक भी नहीं जोड़ा जाता। आपके पेट में ज़बरदस्त दर्द होने लग जाता है। वो सभी किसकी कमी के कारण होता है और आपको क्या करना है ऐसा अगर होने लग जाए तो? क्योंकि अगर आपके वहाँ पर ग्राउंड के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई तो आप फिर दौड़ नहीं पाओगे। आप सभी साथियों को, अगर आपने इतने दिन से मेहनत से तैयारी की तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सभी को मैं एक अच्छा सॉल्यूशन दूंगा जो मैं खुद यूज़ किया करता था, जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं यूज़ करने को बोलता था। अभी इसके अंदर आपको एडमिट कार्ड के डेट के बारे में मैं बताऊँगा, साथ में आपको बताऊँगी कि ग्राउंड के दौरान जाने के बाद में वहाँ पर आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आपके फिजिकल का जो है वो कोई भी यहाँ पर बिना बाधा के कम्प्लीट हो सके। आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं इसी पॉइंट से कि रेस में अगर आपका सांस फूल जाता है, जैसे क्या होता है कि पेट के अंदर एक गांठ सी हो जाती है, जैसे वो होती किसकी है, वो हवा की हो जाती है। यानी कि हवा के, यानी आप सभी को पता है कि जब आप स्पीड से दौड़ते हो तो आपकी बॉडी के अंदर सांस आता जाता जल्दी से है, यानी कि स्पीड उसकी बढ़ जाती है। उस दौरान आपके मतलब शरीर के अंदर आपके वहाँ पर गांठ सी हो जाती है, वो हवा की होती है, जिससे आपको दर्द होने लग जाता है और आपके 10 कदम भी नहीं दौड़ा जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है? अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे, 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैसे दौड़ते हैं, ऐसे, यानी कि अपनी मुट्ठी का आकार ऐसे होगा मेरे ख्याल से, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपके पेट में गांठ हो आप ये पोजीशन ध्यान में रखें, ठीक है। मैं यहाँ पर एक मेन पॉइंट लेकर आया हूँ क्योंकि आप सभी ने फिजिकल की तैयारी अच्छे से की होगी, आपने मेहनत भी पूरी की होगी, लेकिन लास्ट में आप एक छोटी सी चीज़ सोचिए कि आपकी वो छोटी सी हवा की एक गांठ होने के कारण आपकी रेस से बाहर हो जाओगे, आपसे 10 कदम भी नहीं दौड़ा जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, हर जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने खुद ने फेस किया होगा ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने किया था। मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, जैसे कि अपनी अंगुलियों को ऐसे बंद कर लेना है और आपका अंगूठा देखिए, यहाँ पर अंगूठा देखिए, अंगुलियों के बीच में डाल लेना आपको और वहाँ से टाइट से इस अंगूठे को दबाना है। यानी कि दोनों हाथों की पोजीशन आपकी दौड़ते टाइम यही होनी चाहिए। ऐसा आप तब भी कर सकते हैं जैसे कि आप वहाँ पर 1600 मीटर की रेस के लिए वहाँ पर आप ग्राउंड में खड़े हो, उस टाइम के ऊपर आपको क्या करना है, ये पोजीशन दौड़ने से पहले ले लेनी है। यानी कि जैसे आप दौड़ने स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग से आपको इसी पोजीशन के अंदर दौड़ना है, ठीक है, आप ये पोजीशन छोड़ देना। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे आपके पता है कि आपने 3 राउंड पूरे कर लिए, जैसे कि ये 3 राउंड आपने पूरे कर लिए, आपका ये लास्ट राउंड है 400 मीटर वाला, अब आपको लास्ट पोजीशन के ऊपर क्या करना है, देखिए अभी आपको क्या करना है। अगर आपने 3 राउंड पूरे कर लिए तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि 3 राउंड पूरे कर लिए और आपका 4था राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे कि यहाँ पर 4था राउंड आपका शुरू हो गया है और यहाँ तक आप दौड़ोगे, यानी कि 200 मीटर का और दौड़ना आपको बचा हुआ, कितना, 200 मीटर बच गया। अब इस 200 मीटर के अंदर आपको क्या करना है, ये मुट्ठी खोल देनी है, वहाँ की वो पोजीशन बता रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जाते टाइम पर उस दिन बताऊँगा तो आपको ना तो एक हैबिट होगी ना आपको इतना एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास में टाइम है तो अभी से आप ये यूज़ करके देखना एक बार, अभी से यूज़ करने लग जाना ताकि आपको एक आदत हो जाए और आपकी बॉडी भी जो इसको मेंटेन के अंदर ले आए। आपको क्या करना है, फिर लास्ट के अंदर ये जब 200 मीटर ये वाली पोजीशन बचती है, इसके दौरान आपको हाथ खोल देने हैं। और हाथ के आपका पोजीशन कैसे हो जाना चाहिए, यानी कि मैं आपको यहाँ पर एक ये बताऊँ तो आपको यहाँ पर क्या पोजीशन हो जानी चाहिए, आपकी अंगुलियाँ जो है ऐसे खुली हो जानी चाहिए और ये अंगूठा भी ऐसे खुला, यानी कि आपका हाथ पूरा खुले हो जाने चाहिए, अंगुलियाँ सभी एक दूसरे से अलग, और ये पोजीशन बनाकर लास्ट के अंदर जितना जोर है अपनी बॉडी के अंदर आप वो कंप्लीट कर देना। और इस मोमेंट के अंदर आपको एक पॉइंट और बता दूं कि आपके पेट के अंदर गांठ क्यों बनती है। आप सभी बोलते हो कि आप क्या सांस फूल जाता, तो सांस फूलने की मेन बात ये भी कि दौड़ते टाइम पर बातें न करें। दौड़ते टाइम पर 1600 मीटर का रूल है कि दौड़ते टाइम पर नाक से सांस लेना है, मुंह से नहीं लेना है। मुंह से सांस लेते साथ आपकी हवा जो है वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसके कारण आपकी ये गांठ बनती है, जिससे आप सांस फूलना जिसको बोलते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम से बचना है। उसके बाद में अगर मैं पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूँ तो वो ये है कि जैसे ही आपको मैंने बताया कि आपको हाथ खोलने वाली जो पोजीशन लेते हो 200 मीटर के अंदर लास्ट में, उस टाइम पर आपको मुंह खोल देना है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सांस है, बहुत तेज़ी से आने लग जाता है, उस टाइम के ऊपर नाक से आपका सांस बाहर नहीं आ पाएगा। अभी आपको क्या करना है, उस 200 मीटर के अंदर अपना जितना जोर होता है बॉडी का लगा देना और अपने मुँह को खोल लेना, मुँह को यहाँ पर खोल लेना है, नाक से यहाँ पर सांस नहीं लेना है, मुँह खोल लेना। ओके,
अभी आप समझ रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख नहीं पा रहा हूँ इतनी सी चीज़ें, तो आपको बोल के बता रहा हूँ, डायग्राम के साथ में समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और जिसने एक्सपीरियंस किया वो प्लीज़ भाई अपना कमेंट के अंदर एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि दूसरे साथियों को भी बिलीव हो सके और वो भी यूज़ कर सकें। आप सभी के साथी हो, आप सभी तैयारी करने वाले साथियों के लिए मैं देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है वहाँ पर, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड आपका कब तक आ सकता है। देखिए साथियों, आज आपको पता है कि यहाँ पर 14 जून हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका फिजिकल, आप सभी को पता कि 28 जून से आपके फिजिकल हैं, अभी आपके पास में 28 जून से अगर फिजिकल हैं, अगर 10 दिन भी कम लें तो यहाँ पर 18 जून तक आपके फिजिकल के जो एडमिट कार्ड है उनका अनाउंसमेंट आ जाएगा। यानी कि अभी आपको 10 दिन पहले भी अगर आता है तो 18 से पहले पहले या फिर 18 के दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इससे पहले देखिए आ भी सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ, आने को तो कल भी आ जाए, क्योंकि 15 दिन का अगर रूटीन वो बनाएंगे तो 15 दिन का अगर रूटीन बनाएंगे तो वो आपकी कल भी आ सकती है, ठीक है, कल भी आ सकती है। अगर वो 10 दिन का रूटीन बनाते हैं तो 18 जून तक आपका फिजिकल आ जाएगा, फिजिकल का एडमिट कार्ड जो हुआ आ जाएगा। इसके अंदर आपको निश्चिंत रहना है, आपको वहाँ पर आपके जो जहाँ तक हो सकता है आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे जिससे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था अपने एग्जाम वाला, उसी तरीके से आपका फिजिकल एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके पासवर्ड जो है वो लगकर यहाँ पर लॉगिन हो गया, तो वो अपने संभाल के रखें। जिसके पास में नहीं है उनका सॉल्यूशन भी अलग से आ जाएगा, शायद हो सकता है कि नाम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से भी हो जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड है। अब सभी साथियों को क्या करना है, मैं एक मेन पॉइंट और बता देता हूँ कि जो ग्राउंड के अंदर जाने के बाद में आपको गलतियाँ नहीं करनी है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें सर बता रहे हैं, इधर हम के बच्चे थोड़ी ना, बच्चे नहीं हो आप साथियों, लेकिन आप सभी को मैंने, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है भाई, मैं भी तो तैयारी करता हूँ। अभी आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हो जिसके कारण आप बाहर हो जाते हो। अभी आपने इतने दिन तैयारी की हो, कम से कम 5 महीने तैयारी आपने रेस की होगी, और आप सोचो जरा सी आपकी कमी के कारण आप दौड़े बिना ही बाहर हो जाओगे तो आप कभी माफ़ कर पाओगे क्या खुद को? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी गलतियाँ होती हैं। अभी आपको क्या करना है, वहाँ पर जब दौड़ने जाओ पानी मत पी लेना, पानी पिया और आप रहे से बाहर, यानी कि वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं करेगा आपकी, लेकिन पानी पीकर अगर आपने दौड़ा तो वही प्रॉब्लम होगी, पेट के अंदर गांठ बंधेगी और आप सभी जो हो 10 कदम भी नहीं दौड़ पाओगे, मेरी गारंटी है। उसके बाद में खाना पीना नहीं करना है बिल्कुल भी, खाना खाकर दौड़ने मत चले जाना। हाँ ऐसा हो सकता है कि चाय आप पी सकते हो, चाय के साथ में 1-2 बिस्किट ले सकते हो आप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना है। अभी आप पूछोगे, कुछ कैंडिडेट पूछेंगे कि हमें केले खाने की आदत है, केले खा सकते हो लेकिन वो भी एक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए होती है, उससे ज़्यादा आपको कुछ खाना पीना नहीं करना है मेरे साथियों। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रख लेना। मैं आप सभी साथियों के लिए इतने दिन से मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि लास्ट में ऐसी चीज़ें तो मैं बताऊँ जिसके कारण आप बाहर हो सकते हो छोटी सी चीज़ के कारण। तो आप सभी साथी इस चीज़ का ध्यान रखें, घबराना नहीं है, मेन चीज़ तो ये होती है कि घबराना नहीं है। अब क्या होते हैं कि कुछ स्टूडेंट का फिजिकल जो वो पहली बार दे रहे हैं तो वहाँ की भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं, या फिर वहाँ पर वो कमांड करते हैं, यानी कि जो फिजिकल की व्यवस्था को संभाल रहे होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी पुलिस वाले वहाँ पर होते हैं, उनको देखकर कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे आपको, आपका फिजिकल करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ऊपर से आप सभी को वो भी वहाँ पर सहारा ही देते हैं, आप सभी को वहाँ पर मोटिवेट ही करते हैं, तो आप सभी को घबराना नहीं। उसके बाद में जो भी सूझ से रेस मारता है, यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जो भी अपना जो कोई भी कैंडिडेट है वो जो अगर शूज पहनकर रेस मारता है तो पहले से डिसाइड कर लेना कि वो शूज पहन के रेस करेगा या फिर नहीं पहनना। अभी ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पर तो बिना शूज के तैयारी करते हो, वहाँ पर शूज पहन लिए तो बाहर हो गए मेरे भैया, आपकी आदत है वो दूसरी तरफ डल जाएगी वहाँ पर, और जाते साथ आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब ऐसा भी नहीं करना कि यहाँ पर आप शूज पहनकर अच्छे से तैयारी करते हो, वहाँ पर नंगे पैर दौड़ सकते हो आप, ये सही है, वहाँ पर बिना शूज के दौड़ सकते हो ये चल जाएगा, लेकिन शूज वाला ऐसा कैंडिडेट ना हो कि यहाँ पर नंगे पैर दौड़ते थे वहाँ पर जाके शूज पहन लिए। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जैसे चाहो जिस मोमेंट के अंदर जिस एक्शन से चाहो आप वहाँ पर फिजिकल कंप्लीट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे फिजिकल करना चाहते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं कि साइड से दौड़ कर आ गए, वहाँ से दौड़ कर आ गए, शूज पहन लिया, नहीं पहना, वहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने नहीं रखी जाएगी। तो आपकी जैसी मर्जी आप दौड़ सकते हो, और जैसे कि जो कैंडिडेट शूज पहनकर दौड़ते हैं वो अच्छे से बांध लेना भैया आपने, क्योंकि बीच में अगर शूज खुल गया तो 1600 मीटर का ही काम है, 5 मिनट का ही सिस्टम है, 5 मिनट के अंदर आपका उधर से उधर हो जाएगा, जिसने रेस की है वो अपने क्वालिफाई कर जाएगा, जिसने नहीं की वो रह जाएगा। 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट के खेल के लिए अपने शूज को, अपनी तरीके को, जो भी पोजिशन आपकी, जो यहाँ पर आपने आदत डाल रखी है वो वहाँ पर पहले से प्रिपेयर रहना उस चीज़ के ऊपर, मेरा कहने का मतलब यही है। उसके बाद में जब सबसे मेन जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ओवर रिएक्ट मत कर देना वहाँ पर जाकर,
कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट जाते हैं कि हम तो ऐसे रेस कर देंगे, हम ऐसे हैं, हम आगे नंबर लेंगे, हम पीछे नंबर लेंगे। ऐसा ओवर रिएक्ट मत कर देना, बाहर हो जाओगे। छोटी छोटी गलतियाँ मत कर देना। कोई भी सिंपल स्टूडेंट जो सीरियस होकर तैयारी करे वो दूसरों के बातों में नहीं आएगा, दूसरों के बातों में नहीं आएगा। एक दौड़ने से पहले अपने पीछे वाले कैंडिडेट का ध्यान रखें। कोई यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऐसे में कोई धक्का भी मार देता आपको, या फिर पीछे से आपको पकड़कर खींच लेता है, जिससे आप क्या हो जाते हो रेस के अंदर, जो आपका स्टार्टिंग का जो फोर्स है वो चला जाता है वहाँ पर, जिसके कारण आपके बाहर होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। और आप सभी को पता है कि चार ही तो राउंड मारने हैं, ऐसा तो नहीं कि 5 किलोमीटर रेस के अंदर वापस से रिकवर कर जाओगे आप। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, मेरा फर्ज था बताना। आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं आपको हर एक मोमेंट के ऊपर अच्छे से अच्छे फैक्ट के साथ में आपके सामने ओथेंटिक न्यूज़ रखता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।